स्टूडेंट्स, आज हम आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, कुछ टॉपिक जो चैप्टर का नेम है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो पॉइंट है, पहले से देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। और चैप्टर आपका वन ही है, चैप्टर वन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। टॉपिक है हमारा द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स, ठीक है, क्रिया या उसके रूप ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स, वर्ब और उसकी रूप, वर्ब और उसके रूप। तो क्या है जो वाक्य है उनमें क्रिया की, वाक्यों में क्रिया के निम्नलिखित रूपों का वर्णन किया गया है। तो निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया जाता है, वर्बों के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर वन पर है आपका जो वर्ब है द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल में कौन कौन सी, जैसे अराइज, फ्लाई, ब्लो, नो आदि, आदि को वर्ब का प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है। इसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म ही कहा जाता है। इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म ठीक है, तो देखेंगे द वर्ब एंड इट्स फॉर्म, क्रिया या उसके रूप क्या है कि वाक्यों में क्रिया के निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उनमें जो वर्ब होती है उनके निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो द प्रेजेंट टेंस, देखो जो पहला रूप है वो है प्रेजेंट टेंस का, तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जैसे एराइज, फ्लाई, ब्लोन, नू आदि को वर्ब का प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है, प्रायः इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। ओके, प्रायः इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। अब आते हैं सेकंड, द पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस यानी भूतकाल, भूतकाल। तो इसमें क्या है, एराइज की एरोज, फ्लाई की फ्लू, ब्लू, न्यू आदि को बर का पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्रिया के पास्ट रूप टेंस रूप को प्रायः क्रिया के पास्ट टेंस रूप को प्रायः सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस होती है, जैसे एरोज, फ्लू, ब्लू, न्यू आदि को वर्ब का पास्ट टेंस भी कहते हैं, और इस क्रिया के पास्ट टेंस रूप को प्रायः सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या, सेकंड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नंबर थर्ड पर, नंबर थर्ड पास्ट, द पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यानी भूतकालिक कृदंत, कृदंत। ठीक है, इसमें जैसे ए आर आई एस ई एन एराइजिन, फ्लॉन, ब्लॉन, नॉन आदि को वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, कहा जाता है। इसे प्रायः वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है।
पार्टिसिपल बोलते हैं। इसी तरह से आते हैं हम लास्ट में जो वर्ग का फोर्थ लास्ट रूप है वो है पादप द जैन पार्टिसिपल जैन पार्टिसिपल यानी वर्तमान कालिक कृदंत वर्तमान कालिक कृदंत जैसे ई आर आई एस आई एन डी आर आई जी फ्लाइंग ब्लोइंग नोइंग आदि 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 को वर्ब वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल या इंग वर्ब प्लस आईएनजी इंग रूप कहा जाता है तो समझ में आ गया कि आपके चार रूप होते हैं वर्ब के प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस द पास्ट पार्टिसिपल द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है अब हम आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं वे नाउन होते हैं। ठीक है देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं देखते हैं उनको क्या है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या है तो काउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें जिन्हें गिना जा सकता है गिना जा सकता है जिन्हें प्रायः संख्या के रूप में संख्या के रूप में समझा जाता है उन्हें काउंटेबल नाउंस कहा जाता है गर्ल पेंसिल टेबल
हैं उनको हम काउंट पर नाम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे काउंटेबल नाउन है ये, जैसे हम गर्ल, पेंसिल, एग्जाम्पल है हमारा गर्ल, पेंसिल, टेबल, सोप, सॉप, मैन, सिटी, वॉच, चाइल्ड एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर, ठीक है। काउंट कर सकती है, अनकाउंटेबल क्या है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब आते हैं हम सम एंड एनी पर, सम एंड एनी। Some milk.
क्वेश्चन और निगेटिव में कुछ आदि के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चंस और निगेटिव वाले सेंटेंसों में। देखो कैसे क्वेश्चन वाले और निगेटिव वाले सेंटेंसों में हम एनी का यूज करते हैं, सिर्फ एफर्मेटिव में ही। क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ आदि के लिए क्वेश्चन वाला हो या वी डू नॉट टेक एनी स्वीट स्वीट विद मी टेक एनी स्वीट विद मी ओके। तो यानी बात हमारा नेगेटिव हो या इंफॉर्मेटिव हो उसमें हम एनी का यूज करते हैं और एफर्मेटिव में हम सम का यूज करते हैं। मीन्स दोनों का सेम ही होता है कुछ कोई, ठीक है। कोई के लिए एनी का प्रयोग एफर्मेटिव में भी किया जाता है अगर कोई वस्तु हो, अगर कई वस्तुओं में से एक का चुनाव हो। जब हम नंबर थ्री कोई के लिए एनी का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है अगर कई वस्तुएं आदि कई वस्तुओं आदि में से एक का नाम हो, जैसे कम एंड मीट मी एनी टाइम यू लाइक, ठीक है। तो कोई के लिए एनी का प्रयोग
एफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है अगर कई बस्तियों आदि में से एक का चुनाव हो, जैसे कम एंड मीट मी एनी टाइम यू लाइक। बहुत सारे में से एक का चुनाव करना हो तब वहाँ पे हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ए एंड का यूज। को आर्टिकल कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में ए एन तथा द को and the huge
कल आपको इस कटिंग समझाती हैं, ठीक है ना। ये एंटा का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे इसको डीपली जाएंगे कल, तो इसको कल समझाती हैं, यानी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं, ठीक है। ए एंड डा का यूज, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ओके।